आज मैं बनाने जा रही हूँ भरवा बैगन। उसके लिए मैंने ये बैगन के 4 भाग किए हैं ताकि मसाला आसानी से भर सके, और 3 आलू यूज़ किए हैं। मैंने एक आलू के 3 स्लाइस किए हैं इस तरह गोल। धनिया 2 चम्मच, खड़ी धनिया यूज़ करना है, 2 चम्मच जीरा और धनिया पत्ती, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक और 3 टेबलस्पून तेल। अब मैं ये धनिया और जीरा को पैन में गरम कर लेती हूँ और इसे भून लेती हूँ तेज आंच में। धनिया जीरा भूनने के लिए 2 मिनट लगते हैं। अब मेरा धनिया जीरा भून गया है। अब इसे 2 मिनट तक ठंडा करते, फिर इसे मिक्सी में ग्राइंड कर ले और साथ ही ये 4 कलियां लहसुन के डाल दे, इसे भी मिक्स कर ले। अब धनिया और जीरा ठंडा हो चुका है, अब हम इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। और साथ ही ये लहसुन डाल देते हैं। मैंने धनिया पाउडर अब मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। मैंने डार्क धनिया और जीरा इसलिए भुना है ताकि बैगन के अंदर डालते वक्त ये कच्चा ना रहे। अब मैं इसे एक थाली में निकाल लेती हूँ। हरी मिर्ची, हल्दी, ये सारा नमक, ये सब ऐड कर देती हूँ इसे। और आधी धनिया पत्ती भी ऐड कर लेती हूँ। अब मैं ये 1 चम्मच ऑयल डाल लेती हूँ इसमें और मिक्स कर देती हूँ। मसाला भर लेती हूँ, मसाला फुल भरे। चम्मच तेल डाल देती हूँ। मैंने स्टफिंग कर दिया है, तेल गरम हो गया है, इसे तेज आंच में रखना है। अब ये बैगन इसमें और साथ ही आलू भी डाल देंगे। तेज आंच पे चलाते रहे 5 मिनट तक। इसे पहले तेज आंच में पकाइए और फिर ढक दीजिए। फिर 5 मिनट के अंदर अंदर आप इसे चलाते रहिए जब तक ये ब्राउन कलर का नहीं रहता। और आलू आगे पीछे दोनों तरफ से ब्राउन होने चाहिए, क्रिस्पी होने चाहिए। अब मैं इसे फिर से ढक देती हूँ। अब मेरे बैगन पक गए हैं पूरी अच्छी तरह 20-25 मिनट के अंदर। अब बीच बीच में इसे पलटते रहे ताकि बैगन और आलू जले ना। अब ये रेडी है। अभी मैं सारे बैगन आलू इस बाउल में निकाल लेती हूँ। अब मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है। अब गार्निशिंग के लिए आप
धनिया पत्ती डाल दे।